ऑक्सीजन की कमी के कारण यूपी सहित तमाम राज्यों में हाहाकार मचा हुआ है। ऐसे में कुछ लालची लोगों ने मरीजों को बचाने की जगह बेचने का काम शुरू कर दिया है। मामला मेडिकल थाना क्षेत्र के जगदम्बा हॉस्पिटल से जुड़ा है, जहां एक एम्बुलेंस चालक ने परिजनों को बरगलाकर दिल्ली निवासी महिला को जगदम्बा हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। देर रात महिला की मौत के बाद परिजनों ने ऑक्सीजन की कमी और हॉस्पिटल संचालकों पर महिला की हत्या का आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया। दरअसल दिल्ली के लक्ष्मीनगर निवासी राजकुमार जायसवाल के अनुसार उनकी पत्नी को कफ की शिकायत थी, जिसके चलते उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत थी, मगर दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी के कारण वे अपनी पत्नी को लेकर भटकते फिर रहे थे। इसी दौरान उन्हें एक एम्बुलेंस चालक मिला, जिसने उन्हें मेरठ के जगदम्बा हॉस्पिटल में ऑक्सीजन दिलाने का दावा किया। राजकुमार के मुताबिक एम्बुलेंस चालक पर विश्वास करके उन्होंने 18 अप्रैल को अपनी पत्नी को जगदम्बा हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। आरोप है कि इसके बाद से हॉस्पिटल के कर्मचारी कभी माया को ऑक्सीजन सिलेंडर लगाते थे तो कभी सिलेंडर को हटा दिया जाता था। माया की बेटी करिश्मा ने हॉस्पिटल के स्टाफ पर हत्या करने का आरोप लगा दिया। हालांकि हॉस्पिटल के स्टाफ के मुताबिक हालत बिगड़ने के बाद माया की मौत हो गई। पीड़ित परिवार का आरोप है कि बीते 2 दिनों से वो प्रशासन से हॉस्पिटल की लापरवाही की शिकायत कर रहे थे और उन्होंने हॉस्पिटल संचालक द्वारा मरीज को जबरदस्ती हॉस्पिटल से बाहर निकालने की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल किया था, लेकिन प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब जब हमने इनकी कंप्लेंट करा दी, अब इनको डेड बॉडी हटाने याद आ रही है। पूरा स्टाफ नहीं है यहाँ पे, इनका स्टाफ नहीं है ना, कोई डॉक्टर है ना, नर्स है, ये स्टाफ लेबर क्लास है। ये जो पानी पिलाने वाले भैया होते हैं वो सब सुइयां लगा रहे हैं, हमें बैठ गए, डॉक्टर का कुछ पता नहीं कि डॉक्टर है। डेली कितने मार दिए इन्होंने, जानबूझ के ऑक्सीजन कम कर करके लोगों को मार डाला इन लोगों ने। वहीं महिला की मौत की जानकारी मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। पीड़ितों ने हॉस्पिटल के स्टाफ पर हत्या का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे की सूचना मिलते ही आनन फानन में कई थानों की फोर्स और SDM मौके पर पहुंचे और परिजनों को जांच के आधार पर कार्रवाई का आश्वासन दिया, लेकिन इलाज की आस में महिला को मेरठ लेकर पहुंचे परिवार के लोग आज उसकी लाश लेकर वापस लौट गए। पंजाब केसरी TV के लिए मेरठ से आदिल रहमान की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।